रुक जाओ, व्यक्त तो बता दे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो चाकू हमें तुम्हारे घर से मिला उसी से अनिता का खून हुआ है। बोल सर, आप मुझे जान से क्यों ना मार दो सर, मैं यही कहूंगा सर, मैंने अनिता का खून नहीं किया सर। और अगर आकाश ने खून नहीं किया है तो किसने किया होगा? मुझे तो लगता है आकाश झूठ बोल रहा है। मैडम, कब से बैठी हूं मैं, आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है मेरे बेटे से? कल से भूखा है वो, खाना लाएं उसके लिए। ये कौन चीख रहा है? सर वो आकाश की माँ है, खाना लेके मिलने के लिए बोल रही है। शांत करो। एक बात बताओ, आकाश की फैमिली में आकाश और आकाश की माँ ही है ना बस? हाँ सर। अंदर लेके आओ। जी सर। साहब, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, ये लोग मिलने नहीं दे रहे मेरे बेटे से। देखिए ममता जी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएंगी। ऐसे कैसे नहीं मिल पाऊंगी साहब? क्योंकि आपके बेटे ने कत्ल किया है अनीता और उसके बच्चे दोनों का। अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी बता दिया कि जो चाकू आपके घर में पाया गया है उसी से कत्ल हुआ था, तो अब तो उसे फांसी होगी। ऐसे कैसे उसने खून किया है? उसी ने किया है? नहीं साहब, उसने खून नहीं किया। तो किसने किया है फिर? मैंने। अच्छा, कैसे किया है? हाँ हाँ, मैंने खून किया अनीता का और उसके बच्चे का भी। वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। आकाश जब फेल हो गया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये सोच लिया कि शायद ये मेरी बदकिस्मती है जो आकाश फेल हो गया। पर उस रात आकाश को मैंने अनीता से बात करते हुए सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी है। एक बार मैं समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? क्या ठीक कर दोगे? क्या ठीक कर दोगे तुम? क्या आता है तुम्हें बताओ? क्या आता है तुम्हें बताओ? सिवाय अपने हवस मिटाने के? हवस मिटाने के? हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। आकाश को ब्लैकमेल कर रही थी, चाहते हुए भी आकाश को उसके पास जाना पड़ा। बहुत गुस्सा आया साहब, वो मेरे बेटे का करियर खराब कर रही थी और मैं अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने उसे मारने का फैसला ले लिया। थोड़ी देर बाद जब आकाश वापस आया तो बैठी। आप इतनी रात में कोई बात है क्या? हाँ, खेड़े से ही बात करने आई हूँ। हाँ तो बताइए ना। क्यों क्यों बर्बाद कर रही है मेरे बेटे को? क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास कर रही हूँ? मैं सब जानती हूँ, तेरा और मेरे बेटे का अफेयर चल रहा है और तू उसे बर्बाद कर रही है। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया। अच्छा है, वैसे आपको एक बात तो पता होगी ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आपके बेटे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ
वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, और अब आपका बेटा कह रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे कैसे नहीं रहना चाहता? मैं आपके बेटे को किसी भी कीमत पे अब छोड़ नहीं सकती। ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती? हाँ, ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकती मेरे बेटे को? क्या कर लेंगे आप? और ये छोड़िए मेरा हाथ। तुझे मार कर ही अपने बेटे से पीछा छुड़ाऊंगी। तू मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है। छोड़िए मुझे, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, छोड़ मुझे। ने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया साहब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी माँ हो तुम जिसने ना सिर्फ एक औरत को बल्कि एक मासूम बच्चे को भी मार डाला। अब जिंदगी भर जेल में बैठना और सोचना कि तुमने क्या गलत किया। चाहतें और जरूरतें हर इंसान की होती हैं, उन्हें पूरा करना भी जरूरी होता है, पर उन चाहतों और जरूरतों की कीमत भी जानना जरूरी होता है। राजीव का पैसों के पीछे भागना बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ जरूरी है तो उतना ही समय परिवार को भी देना। परिवार और व्यवसाय के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ता है। राजीव ने यह संतुलन नहीं बनाया। अनीता ने जो भी किया वो गलत था। अगर राजीव उसे समय नहीं दे पा रहा था तो अनीता को राजीव से खुलकर बातें करनी चाहिए थी। अगर खुलकर बातें होती तो शायद राजीव अनीता के मर्म को समझ पाता। आकाश ने जो किया बिल्कुल गलत किया। आकाश की मां ने उससे ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आकाश अपने मोटिव को छोड़कर अनीता की प्रेम कहानी में फंसता चला गया। अगर आकाश ने अपने मोटिव के ऊपर जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद वो आज एक ऑफिसर होता। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह विदा लेता हूं आज के इस एपिसोड में। फिर मिलेंगे अपराध के अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।